आज सत्याग्रह के मंच पर खड़े हुए मैं इस देश के नौजवानों को कुछ कहना चाहती हूं। देखिए, आप इस देश का भविष्य हैं। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है इस देश में। मैंने आप जैसे सैकड़ों बच्चों से बात की, आप जैसे सैकड़ों नौजवानों से बात की। जब मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में 4 बजे सुबह गिरफ्तार होने वाली थी, तब भी मैंने सड़क पर जब देखा तो मुझे 20-30 तुम जैसे नौजवान दिखे जो सुबह सुबह 4 बजे आर्मी में भर्ती होने के लिए ट्रेन कर रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, ट्रैक्टरों पे बैठे हुए। मैं ऐसे नौजवानों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि दीदी उम्मीद छूट गई है, खत्म हो गई है, सालों से हम भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब हम गन्ना बेचने जा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपका दर्द हम समझते हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। और आज सेना जिसकी भर्ती में का सपना आप देखते हैं, आप अपनी देश की सुरक्षा का सपना देखते हैं, अपने भविष्य को मजबूत बनाने का सपना देखते हैं, आप ये सपना देखते हैं कि बड़े होकर आप माँ बाप को का देखभाल करेंगे, सरहद पर जाकर इस देश के लिए अपनी जान देंगे। आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो नकली राष्ट्रवादी हैं और जो नकली देशभक्त हैं, आंख खोलकर उनको पहचानिए। आपके संघर्ष में पूरा देश आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है।